नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखते हैं कि एग्जॉस्ट फैन कैसे रिपेयर करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो जनरली मोस्ट ऑफ लोगों के वॉशरूम में होता है, तो ये बिगड़ा क्यों होगा। तो हम लोग किसी दिन साफ करने उठे और ये जो हमारे शेड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन शेड्स को हम लोगों ने साफ करने की कोशिश की और हम लोगों ने थोड़ा सा आलस किया और डायरेक्ट पानी मार दिया उसके ऊपर। तो वो शेड्स पे पानी मार रहे थे हम लोग, तो शेड्स पे पानी मारते मारते वो थोड़ा सा फैन में भी चला गया। तो फैन में, एग्जॉस्ट फैन में जब पानी जाता है तो वो उसकी मोटर को, सर्किट को हार्म करता है और वो खराब हो गया। तो रिस्क भी था, जो बंदा काम कर रहा था उससे करंट भी लग सकता था, उसे शॉक भी लग सकता था। तो ये हम लोग शेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में एक अप्रोच होता है कि उनकी अगर ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में है, बट कोई एक कंट्री में भी कोई इंसिडेंट होता है, जापान में कोई इंसिडेंट होता है, तो वही इंसिडेंट वो सारी ब्रांचेस में जाके एक्सप्लेन करते हैं ताकि वहां पे सेम गलती ना हो। तो इवन वी आर अ ग्लोबल फैमिली, तो आप ये गलती मत करना। तो चलो हम लोग इसे खोल के देखते हैं। तो पहले, ऑपरेट करने से पहले हमें प्लग निकाल लेना चाहिए, सेफ्टी रेस्ट्रिक्शंस। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें इस फैन को पहले निकालना है, तो हम लोग को आउटर कवरिंग जो सर्कल है उसके ऊपर, उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकालना पड़ेगा। तो सर्कल हम लोग निकाल लिया, हम लोग को शाफ्ट दिख रहा है उसके ऊपर से हम लोग पूरा फैन इजीली खींच के निकाल सकते हैं। हम लोग निकाल दिए, तो हम लोग को दिख रही है ये मोटर। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा फैन ऊपर लगा हुआ होता है ताकि गर्म पानी वो बाहर फेंक सके, और हम लोग ये शेप देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्व स्ट्रक्चर दिया हुआ है ताकि अंदर की हवा अच्छे से बाहर जा सके। हम लोग इस जो स्ट्रक्चर है इसे निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, इजी का दो हाथ रख के खींच ही लेना है, वो प्रेस फिट होता है। वैसे हम लोगों ने ऊपर से पूरा स्ट्रक्चर निकाल लिया। अब जो बची हुई फ्रेम होती है वो हमारी नट बोल्ट से लगी हुई होती है। तो हमें चार नट बोल्ट दिख रहे हैं यहाँ पे अभी, तो बड़ा चार स्क्रू दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने बड़ा स्क्रू ड्राइवर ले लिया है, ये माइनस वाले बोल्ट से। हमारे पास जनरली एक बड़ा स्टूडियो जो माइनस प्लस दोनों हो, ऐसा हो तो अच्छा रहता है। ये बड़े स्क्रू थे इसलिए इसके लिए बड़ा स्टूडियो। यू शुड यूज द राइट टूल फॉर द राइट वर्क, नहीं तो हम लोग थ्रेड्स डैमेज कर सकते हैं, स्क्रू का हेड डैमेज कर सकते हैं। ये तीनों बोल्ट निकल गए और हम लोगों ने अच्छे से पूरा सा निकाल दिया। ये फैन हम लोगों ने निकाला। हम लोग देख रहे हैं कि जो पीछे के जो फ्लैप होते हैं, जो ध्यान रखते हैं कि बाहर का पानी अंदर ना आए, जैसे ही हमारी एग्जॉस्ट की अंदर से हवा आती है वैसे बाहर फ्लैप खुल जाते हैं और वो हवा को बाहर जाने देते हैं, और इनकी वजह से बारिश का पानी अंदर आकर मोटर को डैमेज नहीं करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतने सालों से धूप की वजह से बहुत ईजी टू ब्रेक हो गए ये फ्लैप। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि अभी मोटर, जब हम लोगों ने मार्केट में मोटर का रेट देखा, सब कुछ इजीली टूट रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे भी हम लोग इसे वापस लगा देते तो इट वॉज इट सेफ टू ऑपरेट, पानी डायरेक्ट मोटर को लग सकता था, सब कुछ महीनों में वापस डैमेज हुआ। तो हम लोग ने मोटर का रेट देखा बाहर, तो इट इज़ अराउंड 700 to 800 rupees, एंड पूरा एग्जॉस्ट फैन हमारा 1100 में हमें मिल जाता है विद द होल सेटअप। तो हमने सोचा कि हम लोग को एग्जॉस्ट फैन ही पूरा दे लेना चाहिए। तो चलो इसे बाजू में रखते हैं और थोड़ा सा अनबॉक्सिंग देखते हैं। क्या है दोस्तों, पोल स्टार क्रूजर एग्जॉस्ट फैन जो हाई स्पीड है और हम लोग को यहाँ पे वारंटी दी गई है 1 साल की सिर्फ मोटर के लिए। और हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, अगर कुछ असेंबली का पार्ट हो तो वो हम लोग समझते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए हम लोग को ये करते हुए वो हम लोग समझते हैं। हम लोग देख रहे हैं प्लास्टिक कवरिंग में दिया हुआ था, आजू बाजू में हमारे थर्माकोल के पार्ट्स लगे हुए थे ताकि कुछ डैमेज ना हो, और हमारे जो फैन है उसके ऊपर हम लोग को प्रोटेक्टिव कवरिंग दिया हुआ है ताकि गलती से भी उसमें कुछ फंस ना जाए। लोग देख रहे हैं इसे, स्ट्रक्चर
नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन जैसा ही है हमारे पास। हम यहाँ पे पीछे फ्लैप्स दिख रहा है जिसे टेप से बंद किया गया था, टेप हम लोगों ने खोल दी। तो इनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन वही है कि अंदर से जब हवा आएगी तो ये फ्लैप्स खुल जाएंगे। ये हम लोग को केबल दिख रहा है जो 3-pin प्लग में जाएगा। तो चलो 3-pin प्लग लगा देते हैं हम लोग। केबल दिया हुआ है, प्लग हमारा पुराना वाला ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ये स्पाइस कर लेते हैं वायर्स को थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो लगाने। कोई भी छोटा स्क्रू ड्राइवर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वायरिंग अच्छे से हो गई। हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो हमारा ये लेदर जैसा कुछ होता है उसे हम लोग टाइट कर रहे हैं, वो वायर को दबा के रखता है ताकि हमारा जहाँ से हम लोगों ने वायर टाइट किया है वहाँ से वो निकल ना जाए। क्योंकि अगर वो कॉन्टैक्ट पॉइंट से खींचेगा तो फिर हमारा ऑपरेशन खराब हो जाएगा, एकदम ही हमारा चलना बंद हो जाएगा फैन। तो बस ये हम लोगों ने कवरिंग लगा रहे हैं एक फाइनल बोल्ट से। जनरली ऐसे फैंस में इंडक्शन मोटर होती है तो पुराने फैन की इंडक्शन मोटर भी हमारी अच्छे से खुल गई है, तो उसके हम लोग अलग भी आराम से समझेंगे। हमारा प्लग रेडी हो गया, हम लोग ऑपरेशन देखते हैं। मतलब फोन अभी ही आना, कोई बात नहीं, तो चलो चालू करके देखते हैं। उन्होंने फैन शुरू कर दिया, हम लोग देख रहे हैं मूवमेंट, और हम लोग देख रहे हैं पीछे से फ्लैप खुल गए, मतलब हवा यहाँ से जा रही है और पीछे से फ्लैप को खोल के बाहर आवा जा रही है। और हम लोग देख रहे हैं हम लोगों ने अगर एक पेपर आगे रखा तो वो पूरी तरह से अट्रैक्ट हो रहा है, और अभी हवा नहीं जा रही तो पीछे के फ्लैप बंद हो गए। अब हमने पेपर निकाल दिया तो हवा जा रही है तो फ्लैप खुल गए। तो एक सिंपल मैकेनिज्म है जो हम लोग इसे हम लोग बाथरूम के टॉप सरफेस पे लगाते हैं और गर्म हवा बाहर फेंकते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये पेपर अंदर जाके कट क्यों नहीं है, क्योंकि अच्छे से हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग था। जो इनर पार्ट कमल कॉर्नर कैबिनेट लगाया हुआ है, तो उसके अंदर हम लोग अच्छे से हमारा सब सामान रख सकते हैं। तो इसका पूरा असेंबलिंग भी हम लोगों ने वीडियो में समझाया हुआ है, डू इट योरसेल्फ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। असेंबलिंग नील कमल कॉर्नर कैबिनेट, ये आराम से इजीली हमारे वॉशरूम में फिट हो जाता है और हम लोग इसके अंदर हमारा सामान